भगवान जी को न उड़ाए, इसके बाद आपका पेज लड़ेगा। थोड़ी थोड़ी डोर कम करें, उसके बाद पेज लड़ाए। अंधेरा हो रहा है, इस बात को हम समझ रहे हैं कि शायद पतंग नहीं दिख रही होगी, पेज थोड़ा सा कम करके लड़ाया। आज हमारे बीच हुसैन काइट क्लब कोलकाता, जो कि 1200 किलोमीटर का सफर 24 घंटे में तय करके हमारे लखनऊ शहर में आए हैं। हमारे हुसैन भाई, हुसैन शब्बी, जो कि डीजे के नाम से मशहूर हैं, और हमारे अजहर भाई हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हमारे अजहर भाई, निकेश हमारा छोटा भाई, जिससे हमारे कम से कम 12-13 साल से जो है ताल्लुकात हैं और भाईचारा है, कई गेम हमारे इनसे लड़े। कैसा लग रहा है निकेश भाई आपको लखनऊ में? आप तो इस टीम के कैप्टन हैं और हमारे लखनऊ शहर में आए हैं, इस टूर्नामेंट में पहली बार आपने पार्टिसिपेट किया है लखनऊ में, मेरे ख्याल से कैसा लग रहा है आपको टूर्नामेंट लड़ा? बहुत बढ़िया भाई, डिसिप्लिन से खेला, गेम हो रहा है, ठीक है, मतलब रूल एंड रेगुलेशन के साथ गेम हो रहा है। यहाँ पर कोई किसी को ये नहीं है कि हम कलकत्ता है तो इनका सपोर्ट हो रहा है या लखनऊ तो लखनऊ का सपोर्ट, ऐसा नहीं हो रहा। जो गेम में रूल है वही खेला हो रहा है, मजा आ रहा है यहाँ पर टाइम स्पेंड करने। आपको कमेटी से या टीम से या यहाँ की जो एसोसिएशन है उससे कोई शिकायत या किसी चीज को? सब तो हमारे भाई हैं, यहाँ पर किसी से कोई तकलीफ नहीं है, किसी से कोई ये नहीं है, सबसे मजा आ रहा है यहाँ पे, हंसी मजाक चल रही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजहर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया निकेश भाई, थैंक यू सो मच। शीश महल लखनऊ वर्सेस फोर फ्रेंड रामपुर। शीश महल लखनऊ ऊपर से पेच कर रहा है, फोर फ्रेंड रामपुर नीचे से पेच कर रहा है। शीश महल की तरफ से हैदर पेच कर रहे हैं, पेच सही हो चुका है दोस्तों। मोहम्मद अली भाई गाइडेंस करते हुए हैदर को, पूरी गाइडेंस करते हुए मोहम्मद अली हैदर को, पेस सही है दोस्तों, अभी भी पेस सही है, काफी रेंज में पतंगबाजी हो रही है। ये पेच शीश महल लखनऊ ने काट दिया, फोर फ्रेंड रामपुर ये पेच कट गया है। हुसैन काइट क्लब कोलकाता वर्सेस गोमती लखनऊ, पेच सही हो चुका है, कोलकाता नीचे से पेच कर रहा है, लखनऊ ऊपर से पेच कर रहा है। दोनों ही खिलाड़ी अंदर की तरफ आते हुए, पेच सही हो चुका है, चला रहे हैं अंदर की तरफ, आ रहे हैं लखनऊ, बाहर की तरफ जा रहे हैं कोलकाता। ये पतंग कोलकाता काफी बढ़ रखे हुए हैं लखनऊ से।
गाड़ी डोरों पे रखे हुए हैं, पतंग को काफ़ी चला रहे हैं लखनऊ के मेंबर, चला जा रहा है डोर पे, फंस गया है पेज, निकाल के रख लिया लखनऊ ने, ऊपर वाली पतंग लखनऊ के, नीचे वाली पतंग कोलकाता की है, अब उठ के आ रही है कोलकाता की पतंग। डोर की टेस्टिंग चली है दोनों में, पेज सही है दोस्तों, ये पेच कोलकाता ने काट दिया है, लखनऊ ये पेच कट गया। दोस्तों ये मुकाबला चल रहा है लखनऊ सन वर्सेस गांधी लखनऊ, दोनों ही क्लब लखनऊ के लड़ा रहे हैं ये सेकेंड राउंड में। सन की तरफ से अदनान पेच कर रहे हैं ऊपर से, और गांधी की तरफ से पेच कर रहे हैं फूल, छः और सात का गेम है, छः काटे हैं गांधी, छः काटे हैं सन ने और सात काटे हैं गांधी ने। दोनों ही खिलाड़ी तेज़ी से अंदर की तरफ जगह लेते हुए, नीचे वाला खिलाड़ी गांधी के अब बाहर की तरफ जा रहे हैं, खाए उन्होंने। तेज़ निकलता हुआ मारा है, झटक रहे हैं वो, ये पेच सन काइट क्लब कट गया है, गांधी ने पेच काट दिया है। दोस्तों ये मुकाबला चल रहा है कोलकाता वर्सेस गोमती लखनऊ, हुसैन काइट क्लब लड़ रहा है कोलकाता का, नीचे से पेच कर रहे हैं शमशेर और ऊपर से पेच कर रहे हैं फैसल, चार और तीन का गेम है, चार काटे हैं कोलकाता ने और तीन काटे हैं लखनऊ ने। ये पतंग को बढ़ रखे हैं कोलकाता वाले, बाहरी बार आ रहे हैं, बाहरी बार आ रहे हैं, काफी अंदर रख के चले आए हैं फैसल, काफी हाथ पे बढ़ के चले आए हैं। ये रखा ना झोल सही किया फैसल भाई ने, जैसे यहाँ से पतंग चला के फिर झोल सही किया है, निकलता हुआ बाहर जा रहे हैं, निकलता हुआ बाहर जा रहे हैं, ला के तेज खींच के रख रहे हैं डोर पे, तेज खींचते चले जा रहे हैं, अब ला के डोर पे रखा है, और बहुत ही अच्छा पेच काट दिया फैसल ने, और चार चार का स्कोर कट दिया इस पेच को काट के। डीएलडी लखनऊ वर्सेस अंबर, डीएलडी लखनऊ नीचे से पेच कर रहा है, अंबर ऊपर से पेच कर रहा है, चार और दो का स्कोर है दोस्तों, बाहर की तरफ जा रहे हैं, अंदर की तरफ एक मुंडा रख रहे हैं, ऊपर का खिलाड़ी अंबर नीचे से पेच कर रहे हैं डीएलडी के, डीएलडी के मेंबर बाहर की तरफ जाते हुए, अंबर बाहर की तरफ निकल के मार सीधा मारे अंबर ने, और डीएलडी ने बाहर खींच के तेज खींच रहे बाहर, झटक दिया है आखिरी में, ये पेच डीएलडी ने काट दिया है, अंबर ये पेच कट गया है, और स्कोर हो गया पाँच और दो, पाँच काटे डीएलडी काइट क्लब ने, दो काटे हैं अंबर काइट क्लब ने। तो ये पेच चल रहा है शीश महल लखनऊ वर्सेस रामपुर, फोर फ्रेंड रामपुर, शीश महल की तरफ से शहाब पेच कर रहे हैं नीचे से, पेच सही हो चुका है, तो जी अंदर बाहर की तरफ लाते हुए शीश महल के खिलाड़ी अंदर की तरफ जगह लेते हुए फोर फ्रेंड रामपुर, खड़ा खींच दिया, खड़ा खींच दिया, खड़ा खींच दिया शीश महल ने, खड़ा खींच दिया शीश महल ने, आखिरी में जाके झटक लिया था रामपुर ने, ये पेच रामपुर ने काट दिया, शीश महल ये पेच कट गया है। दोस्तों ये मुकाबला चल रहा है सन लखनऊ वर्सेस गांधी लखनऊ, सन की तरफ से सैफी पेच कर रहे हैं और गांधी की तरफ से फूल पेच कर रहे हैं, स्कोर है आठ और छः का, आठ काट दिए हैं गांधी ने, सात काटे हैं सन ने। पेच
पेज फंस गया दोस्तों, बल नहीं खा रही है पतंग। ये पेज गांधी ने काट के ये राउंड जीत लिया है दोस्तों। ये मुकाबला चल रहा है इंसाफ लखनऊ वर्सेस प्रयागराज। प्रयागराज की तरफ से राहुल पेच कर रहे हैं, नीचे से पेच कर रहे हैं दोस्तों। 5-0 का स्कोर है अभी तक, 5 काट दिए हैं प्रयागराज ने। काफ़ी पतंग बढ़ रखे हुए इंसाफ के मेंबर अपनी पतंग को अंदर की तरफ जगह लेते हुए प्रयागराज के खिलाड़ी राहुल काफ़ी ऊंचा ऊंचा रखे हुए हैं। अंदर की तरफ जगह लेते हुए नीचे उतर के आए हैं, अब बाहर की तरफ दिखाया है, चल दिए हैं इंसाफ के खिलाड़ी, चल दिए हैं वो, चमका रहे हैं अपनी पतंग को इलाहाबाद के। क्रॉस पट मार दिया है और आखिरी में जाके झटक रहे थे। ये पेच इंसाफ ने काट दिया है इलाहाबाद, ये पेच कट गया है दोस्तों ये मुकाबला चल रहा है हमारे शीश महल लखनऊ वर्सेस फोर फ्रेंड रामपुर। कमेटी की तरफ से आवाज़ आते हुए एक एक मुड्ढा रख के पेच सही करा ले। पेच सही हो चुका है, शीश महल ऊपर से पेच कर रहा है, फोर फ्रेंड रामपुर नीचे से पेच कर रहा है। अभी तक का स्कोर है 7-3, 3 काटे हैं शीश महल ने और 7 काटे हैं फोर फ्रेंड रामपुर। दोनों ही खिलाड़ी ऊपर, शीश महल बहुत ऊपर पड़ा हुआ है और फोर फ्रेंड रामपुर बहुत नीचे पड़ा हुआ है। दोनों खिलाड़ी का मूड है अभी लग रहा है लड़ाने का नहीं, बाहर की तरफ जा रहे हैं फोर फ्रेंड रामपुर के मेंबर अपनी पतंग को लेके। पेस सही है, बाहर ही की तरफ जा रहे हैं फोर फ्रेंड रामपुर के मेंबर। जल्दी नहीं कर रहे दोनों खिलाड़ी, पतंग को अपनी कम कर रहे हैं काफ़ी दोनों ही खिलाड़ी। रामपुर के मेंबर अपनी पतंग को ऊपर लेके नहीं आ रहे हैं, शीश महल अपनी पतंग को नीचे लेके नहीं जा रहा है। दोनों ही खिलाड़ी बहुत ज़्यादा टाइम लेते हुए पेज लड़ाते में अब उतरे हैं राम शीश महल के खिलाड़ी। सही है दोस्तों, अंदर की तरफ काफी जगह ले ली है शीश महल ने, चेहरा पकड़े हुए रामपुर के मुंबई नीचे से बाहर ही बाहर भाग रहे हैं, अंदर नहीं रख रहे हैं अपनी पतंग को लाके। अंदर नहीं रखेंगे पेच नहीं हो पाएगा दोस्तों। बिल्कुल भी जगह नहीं ले रहे रामपुर के मेंबर। बिल्कुल भी जगह नहीं दे रहे हैं रामपुर के मेंबर रखने की। पहले नीचे कर रहे थे, अब बहुत ऊपर, अब नीचे कर लिया है दोस्तों, अब लगता है पेच हो जाएगा। तेजी से उतर रहे हैं शीश महल के मेंबर। अब बाहर निकलता हुआ मार रही है, बाहर निकलता हुआ झटक रहे थे रामपुर के मेंबर। ये पेच रामपुर ने काट के स्कोर कर दिया 8-3। एक्सलेंट लखनऊ वर्सेस गांधी लखनऊ, ये तीसरे राउंड का पहला मैच लड़, पहला पेच लड़ रहा है एक्सेलेंट, ऊपर से पेच कर रहा है गांधी, नीचे से पेच कर रहा है। गांधी की तरफ से फूल पेच कर रहे हैं, ये एक्सेलेंट की तरफ से भाई पेच कर रहे हैं। पेच सही हो चुका है दोस्तों, हुसैन
ये पेच गांधी काइट क्लब ने काट दिया है। एक्सीडेंट ये पेच कट गया है दोस्तों। पतंग ले गया क्यों? अपनी मांझी को पतंग उड़ाए, इसके बाद आपका पेच लड़ेगा। दोस्तों ये मुकाबला चल रहा है इंसाफ लखनऊ वर्सेस प्रयागराज। इंसाफ लखनऊ नीचे से पेच कर रहा है, प्रयागराज ऊपर से पेच कर रहा है। पेच सही हो चुका है दोस्तों, पेच सही हो चुका है। मेन एम्पायर बंटी भाई ने इस पेच को सही करा दिया है। चेहरे की तरफ रखे हुए हैं इलाहाबाद के मेंबर, प्रयागराज के मेंबर चेहरे से पतंग रखे हुए हैं अपनी, ऊपर से नीचे से इंसाफ बाहर की तरफ जा रहे हैं अब इंसाफ के खिलाड़ी। चेहरा 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 रखे हुए हैं प्रयागराज के खिलाड़ी, चेहरे से पतंग को लड़ाने की कोशिश है। जगह मिल गई, इंसाफ ने बाहर तेज खींच दिया, इंसाफ ने बाहर तेज इंसाफ ने बाहर खींच दिया है। ये पेच इंसाफ काइट क्लब ने काट दिया है, प्रयागराज ये पेच कट गया। अंबर काइट क्लब वर्सेस डीएलडी लखनऊ, दोनों क्लब लखनऊ के पहले राउंड में लड़ रहे हैं। अंबर की तरफ से अब्दुल्ला भाई पेच करने आए हैं। चलिए दोस्तों तो अब अब्दुल्ला भाई का आपको पेच दिखाते हैं। अंबर काइट क्लब ऊपर से पेच कर रहा है, डीएलडी नीचे से पेच कर रहा है। अंबर की तरफ से उदय पेच, अंबर की तरफ से अब्दुल्ला पेच कर रहे हैं ऊपर से, और डीएलडी की तरफ से उदय पेच कर रहे हैं नीचे से। दो बहुत ही शानदार काटे हैं उदय ने, पेच सही करा दिया। मेन एम्पायर शालम भाई ने इस पेच को सही करा दिया है, पेच सही है। हमारे कामरान भाई ने माइक से ऐलान किया पेच सही है, निकलता हुआ मार के झटक रहे हैं, झटक रहे हैं, झटक रहे हैं, झटक रहे हैं, झटक रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत पेच लड़ा दिया अंबर काइट क्लब के अब्दुल्ला भाई ने। ये पेच अंबर काइट क्लब ने काट दिया, डीएलडी ये पेच कट गया। दोस्तों ये पेच लड़ रहा है गोमती लखनऊ वर्सेस हुसैन काइट क्लब कोलकाता। गोमती की तरफ से सैफुल पेच कर रहे हैं और कोलकाता की तरफ से पेच कर रहे हैं अजहर। ऊपर से पेच कर रहे हैं सैफुल, नीचे से पेच कर रहे हैं अजहर। पेच सही हो चुका है दोस्तों। मेन क्रेज एम्पायर शालम भाई ये पेच कोलकाता ने काट दिया है, गोमती ये पेच कट गया है। इंसाफ लखनऊ वर्सेस प्रयागराज, इंसाफ लखनऊ नीचे से पेच कर रहा है, प्रयागराज ऊपर से पेच कर रहा है। बेहतरीन हवा है आज, अभी तो हवा बहुत शानदार चल रही है, सारे दिन हवा दिखा रहा है। उतर रहे हैं, सीधा लेके उतर रहे हैं इलाहाबाद के खिलाड़ी, पतंग को वापस ला रहे हैं अपने ऊपर। अंदर की तरफ जगह लिए हुए इंसाफ के मेंबर, काफी अंदर जगह लिए हुए इंसाफ के मेंबर। पतंग को अपनी बॉडी दे रहे हैं धीरे धीरे, प्रयागराज के खिलाड़ी तेजी से उतर रहे हैं बाहर की तरफ। चल रहे इंसाफ के खिलाड़ी, विकेट झुकाई दी है बाहर की तरफ, दिखाया है सीधा करके झटक रहे, सीधा करके झटक रहे, सीधा करके झटक रहे। ये पेच इंसाफ काइट क्लब ने काट दिया है, प्रयागराज ये पेच कट गया है दोस्तों। दोस्तों ये मुकाबला चल रहा है शीश महल लखनऊ वर्सेस रामपुर फोर फ्रेंड। मोहम्मद अली भाई नीचे से पेच करने आए शीश महल काइट क्लब की तरफ से। अभी बहुत शानदार पेच इन्होंने ऊपर से काटा था। Don't
फोर फ्रेंड रामपुर शीश महल लखनऊ। फोर फ्रेंड ऊपर से पेश कर रहा है, शीश महल नीचे से पेश कर रहा है। रामपुर ने 8 कार्ड दिए हैं और शीश महल ने 4 काटे हैं। एक पेच मोहम्मद अली जी का, कैप्टन है, दारोमदार है टीम का। देखते हैं दोस्तों क्या लगाते हैं मोहम्मद अली जी ने, टीम को ये राउंड निकाल के देते हैं या नहीं। आखिरी पेच है इनका भी और टीम का भी, आखिरी पेच है इस टूर्नामेंट में। काटेंगे तो जीवित रहेंगे। बाहर की तरफ जा रहे हैं, तेज़ बाहर की तरफ रामपुर लेके जा रहे हैं। उन्होंने डोर पे अंदर की तरफ झटक रहे हैं, डोर पे रख लिया है, दोनों खिलाड़ी डोर पे रखे हुए हैं, बलों पे डाल दिया। ये पेच शीश महल लखनऊ ने काट दिया है, फोर फ्रेंड रामपुर ये पेच कट गया, बहुत ही शानदार पेच मोहम्मद अली जी ने काट। अब्दुल्ला भाई अंबर काइट क्लब की तरफ से नीचे से पेच करने आए हैं, अभी ऊपर से बहुत ही शानदार पेच काटा था। इनका गेम DLD से लड़ रहा है दोस्तों, इनकी बैकिंग कर रहे हैं बुरहान भाई। चलिए दोस्तों तो अब मैं आपको अब्दुल्ला भाई का पेच दिखाता हूँ। DLD लखनऊ वर्सेस अंबर लखनऊ, सेकेंड राउंड का ये गेम चल रहा है। 6-3 का स्कोर है, 6 कार्ड दिए हैं DLD ने और 3 कांटे हैं अंबर ने। बहुत ही शानदार मुकाबला चल रहा है ये दोनों ही क्लबों के बीच में। अब्दुल्ला ने अभी बहुत ही शानदार पेच काटा था ऊपर से, पतंग को अपनी चला रहे हैं। खड़ा अंदर खींचने की कोशिश थी, अब चमका रहे थे उसते ही में धूल लग गई और ये पेच DLD लखनऊ ने काट दिए। अंबर लखनऊ ये पेच कट गया है। एक्सलेंट लखनऊ वर्सेस गांधी लखनऊ, तीसरे राउंड का दूसरा पेज लड़ रहा है ये। अभी तलक 1-0 की बढ़त लिए हुए है। पेज सही हो चुका है दोस्तों, एक्सलेंट काइट क्लब ऊपर से पेच कर रहा है, गांधी नीचे से पेच कर रहा है। अंदर की तरफ जगह लेते हुए एक्सीलेंट के मेंबर पूजा कर रहे हैं गांधी के मेंबर, और ये पेच पतंग टूट गई गांधी के मेंबर की। पेच सही हो गया था तो ये पेच गांधी क्लब कट गया है, एक्सीलेंट ने पेच काट दिया है। 1-1 स्कोर हो गया दोस्तों। ये मुकाबला चल रहा है गोमती लखनऊ वर्सेस हुसैन काइट क्लब लखनऊ कोलकाता। हुसैन काइट क्लब नीचे से पेच कर रहा है, गोमती ऊपर से पेच कर रहा है। गोमती की तरफ से फैसल पेच कर रहे हैं और कोलकाता हुसैन की तरफ से अजहर पेच कर रहे हैं। काफ़ी रात हो गई है दोस्तों, अंधेरा हो गया है, इस वजह से पतंग थोड़ी आपको कम दिख रही होगी। बाहर की तरफ आ रहे हैं हुसैन काइट क्लब, अंदर की तरफ हैं फैसल गोमती। पेज सही है दोस्तों, बाहर की तरफ ला रहे हैं, इधर पट मार रहे हैं। बहुत ही शानदार पेज काट दिया हुसैन काइट क्लब के अजहर ने ये पेज। मोहम्मद अली भाई
शीश महल काइट क्लब की तरफ से नीचे से पेच कर रहे हैं। 2-8 का स्कोर था, वहां से मोहम्मद अली भाई गेम लड़ा रहे हैं और अब कर दिया 5-8 का। चलिए दोस्तों अब मोहम्मद अली भाई का पेच दिखाते हैं आपको। दोस्तों पेच देखिए, ये मुकाबला शीश महल लखनऊ वर्सेस फोर फ्रेंड रामपुर चल रहा है। 5-8 का स्कोर है, 5 कार्ड दिए हैं शीश महल ने, 8 कार्ड दिए हैं फोर फ्रेंड रामपुर ने। रामपुर ऊपर से पेच कर रहा है, डॉक्टर साहब पेच कर रहे हैं रामपुर की तरफ से, और शीश महल की तरफ से मोहम्मद अली पेच कर रहे हैं। बहुत पिछड़ गया था इस गेम में शीश महल, लेकिन धीरे धीरे कवर अप कर रहा है मोहम्मद अली भाई, कैप्टन दारोमदार है इस टीम का। नीचे से शीश महल है मोहम्मद अली भाई, ऊपर से डॉक्टर साहब रामपुर, अंदर की तरफ जगह लेते हुए रामपुर के डॉक्टर साहब, बाहरी तरफ जा रहे हैं शीश महल के मोहम्मद अली। घंटी मार के रखा है, घंटी मार के रखा है, तेज लेके जा रहे हैं। बहुत अच्छा पेच काट दिया मोहम्मद अली जी ने, जैसे ही बाल लेके उन्होंने घंटी मार के निकले थे, झटके मार दिए तेज। दोस्तों मोहम्मद अली भाई शीश महल के कैप्टन हैं ये, बहुत शानदार पेच काटा है, और इन्होंने देखिए गेम ऑफ स्प्रिट भी दिखाई, उसकी पतंग ख़राब थी लेकिन फिर भी उन्होंने टूर्नामेंट में उस पतंग को लड़वा दिया। कुछ खिलाड़ी होते हैं जो पतंग को नहीं लड़वाते हैं, और पतंग राउंड है। अब ये लखनऊ वाले थे, इन्होंने देखिए यहाँ पर वाले हम लोग को जल्दी लड़ाना होती है, हम लोग टाइम पास नहीं करते। अच्छा तो मुद्दा देखे लड़ाओ, काटे या कटे जी। मोहम्मद अली भाई जो अभी आपने पेज लड़ाया, आपने क्या भापा कि वो क्या लड़ाना चाह रहा है आपने? हमको मालूम था कि हमको जो मेरी मतलब कि नीचे ऊपर करके मुझे उठाया, खैची मेरी उठाएगा, मेरा झोल उठाएंगे। अच्छा तो आपने क्या झोल नीचे कर दिया? अच्छा मैंने अपनी जो है डोर टाइट रख, तो आपने झटके आखिरी में मारे थे, झटके मार दिए हमने, वो कट गया जी। चलिए बहुत शानदार, थोड़ी थोड़ी डोर कम करें उसके बाद पेज लड़ाएं। अंधेरा हो रहा है, इस बात को हम समझ रहे हैं कि शायद पतंग नहीं दिख रही होगी, पेज थोड़ा सा कम करके लड़ाया। हमारे आबिद भाई रुस्तम नगर, जिनका यूट्यूब चैनल है, इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, और आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, रुस्तम नगर काइट क्लब के नाम से है। बेल आइकन पर क्लिक करें, जिसमें आपको सारे पेज के लाइव टेलीकास्ट और जो भी यहाँ टूर्नामेंट में लड़ाए जा रहे हैं पेज, उनका पेचों को देखने का अच्छे से अच्छा मौका मिलेगा। रुस्तम नगर काइट क्लब।